सीन ये है जी कि काफी टाइम से हैं यार हम भी सिटी में, और मैंने कभी किसी का घमंडी रूप नहीं देखा। आज थोड़ा देखा मैंने घमंडी रूप किसी का, और नेक्स्ट लेवल घमंडी देखा एक्चुअली। तो मैं ये चाहता हूँ अगर तुम लोग कर सकते हो, मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि लग नहीं रहा था, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि तुम लोग ही उनको एक्चुअली थोड़ा तमीज़ सिखा सकते हो, एंड वो है ब्लैक्स। अब मुझे तुम एक बार बताओ, अगर मैं तुम्हें बाउंटी देता हूँ किसी की, तो जो जिस बंदे की मैंने बाउंटी दी है वो तुम्हें आगे सामने से बाउंटी दे अरे रहे मत हैं, मार, सबके तुम सामने करोगे अजीब इस काम लगेगा। को? टूबी 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 मतलब यार, गोवा के क्या प्लान्स है? सपोज करो मैं तुम्हारी बाउंडी अरे मैं देता जा हूँ रहा था, चल रहा है क्या? लोगों अरे को, जानते हो सॉरी ना सॉरी भाई, हेलो, सॉरी सॉरी एंड लोग, सॉरी हाँ सॉरी तुम्हें आके सॉरी बाउंडी सॉरी दे देता है सॉरी। मेरी, तुम लोग है? अगर तुमने मुझे किसी की बाउंडी दी और उसने ही मुझे खुद तेरी बात तेरी बाउंडी की, वैसे या नो ऑफ कोर्स हाँ नॉट। जो पहला डील था वो डील इज काइंड ऑफ लॉक वैसे। एग्जैक्टली, ये है मेरा पॉइंट था। तो मैंने पूछा भाई ये क्या मतलब, क्या तुम्हारा है, क्या सीन है? कहता जहाँ से पैसा मिलेगा हम तो उसके लिए काम करेंगे, मतलब पैसे के लिए वो बंदा गांड मराने के लिए तैयार है। एग्जैक्टली, मतलब जहाँ से हुआ मिल जाएगा क्या वो कर लेगा वो। हाँ, हुआ क्या एग्जैक्टली? वो हमारे लिए काम करते हैं शेडो कार्टल, वो लोग यहाँ पे थे, वो एक एक बंदे मतलब वॉल था रहती है बेचारों के पास, उनको उठाया, उनसे सामान लूटा, उनको मार के फेंक दिया, ये काम चल रहा था ओके, पिछले 10 दिन से। तो हम लोगों ने परेशान होके अरे डे टाइम भाई की वजह से तुझे मुझे उन्हें अप्रोच तन करना पड़ा मेरा एंड उनको देनी पड़ी बाउंटी, चुप। उन लोगों ने री बाउंटी ले ली हमारे हाँ नहीं नाम। तो नहीं, तेरे से शांत नहीं मतलब बैठा जा रहा तुमने है ब्लैक्स कहीं? को बाउंटी दिया और तेरे लित्र ना, पा जो उसने हमारी मतलब बाउंटी दे दी उनको, तेरे चित तेरे और चित्र, सबसे बड़ी बात हाँ बताऊं, चित्र हम पाने, लोगों ने बाउंटी में चित्र उनको पाने, आर्मर्स एडवांस में पे तेरे कर चित्र दिए ने पहने है ना, तू कुछ कि तुम करने से करो ना पहले है ना करो उससे मेरे, पहले हम लोगों ने बिल्कुल उनको गलत। दे दिए, तेरा लक जो वापस किया हमारे वो, नहीं, उन्होंने वापस नहीं किया। एंड तुम्हें अभी एग्जैक्टली क्या चाहिए? यू वांट यार देम मुझे एग्जैक्टली ये डाउन? चाहिए कि वो बंदे का घमंड देखा मैंने आज, बूबी भाई का। तो बूबी भाई का कहना ये था कि हम तो ऐसे ही करते हैं, जो जहाँ दिखता है वहाँ मारते हैं, और हमारा तो ऐसे ही है। तो वो घमंड ना मेरे को तोड़ना है उस बंदे का। अब तुम बताओ तुम कितने दिन तक के लिए बाउंटी ले सकते हो रेगुलर बेसिस पर? रेगुलर बेसिस पे रेगुलर बेसिस पर मतलब हर मुझे दिन? वो बंदा परमानेंटली पैर में चाहिए मुझे अपने, लाइक डेली आके ना एक बार पैर छू के जाए बस, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हुआ क्या पहले तो वो बता भाई मेरे को, लास्ट में सुनने में बस अरे पैर पे चाहिए, बस यही बस है रेगुलर कि बेसिस पे ब्लैक को पेलना है। मैं भी एक्चुअली अकेला हूँ, मेरे साथ राइट नाउ अच्छा कोई ऐसा अच्छा नहीं है जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इन सब चीज़ों का, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है पब्लिक यहाँ पे राइट नाउ, दैट इज़ फाइन। देखो ये भी सही है। हमें 1 सेकंड, 2 मिनट, 2 में बात करनी, जरा 1 सेकंड या 2 मिनट? दो मिनट, 2 मिनट, ठीक है अबे करूँगा। एक सेकंड हाँ वही है। हाँ थोड़ा इधर सा आओ बात भाई, इधर करते आओ, हैं। इधर आओ, इधर आओ। आई डोंट वांट टू डील विद नार्कोस, बट वो नार्कोस भाई बड़ा बड़ा ओके पागल हो। हाँ तो वी स्पोक, द थिंग इज क्या नाउ मैं भाई बहुत ही फ्रैंक बनूंगा आउट हाँ, हियर। एंड स्ट्रेट कट आंसर दूंगा बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो द थिंग इज दैट एक और गैंग आई थी जो हमें ब्लैक की बाउंडी दी थी। आई वॉन्ट टेक एनी ओके नेम्स। ओके वो टाइम पे हमारा एंड ब्लैक्स का रिलेशन वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हमने वो टाइम पे भी बाउंडी डिनाई कर दी थी। एंड आई डोंट लाइक, मेरे हिसाब से ऐसा कोई कीमत नहीं है जिससे मैं वो रिलेशनशिप तोड़ना चाहूँ। इट्स नथिंग अगेंस्ट यॉल, इट्स जस्ट दैट आर रिलेशनशिप विद ब्लैक इज रियली गुड, एंड उसकी वजह से वी रियली कांट टेक दिस बाउंडी, क्योंकि वो लाइक वाइल, हाँ बाउंटी इज ग्रेट, द मनी जो सामान है माइट बी ग्रेट, बट वंस वी टेक दिस बाउंटी वो रिलेशन है दैट इज ओवर फॉर एवर। एंड अगर वो नहीं समझे अबाउट द एंटायर बाउंटी सिनारियो, फिर वो रिलेशनशिप कभी जुड़ेगा नहीं वापस जैसे अभी है। तो वो मेन रीजन की वजह से आई डोंट थिंक वी कैन रियली टेक दिस बाउंटी जो भी प्राइस हो बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन। ये एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे मुझे। ओके देखो सीन ऐसा है ना, आई नहीं नो ये एक्चुअली तुम्हारा रिसेंटली जो प्रॉब्लम हो हमारे सकता है। आपस में अच्छे संबंध हुए हैं उसको देख के मैं कुछ मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि
कि तुम लोग आगे आओगे वो बात नहीं हम लोग आ जाते देखो मैं बोल रहा हूं कि द थिंग इज दैट सी इफ अभी अगर ब्लैक्स कम टू अस एंड टेल अस कि हां जाके मद्रास के ऊपर बाउंड्री हम सीधा ना बोलेंगे ऐसा नहीं है कि दैट जहां पे बिजनेस दिखा जहां पे पैसे दिखे वहां पे हम जाके गन्स लेके मारने वाले हैं अगर हमारे रिलेशनशिप्स है वो रिलेशनशिप की बहुत बड़ी कीमत होती है एंड जहाँ पे ब्लैक आज स्टैंड होती है हमारे साथ इन अ वे वो रिलेशन की कीमत वी कांट रियली अकोमोडेटेड मनी राइट नाउ शायद से एक महीने बाद या एक दो हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद हमारे रिलेशनशिप से ब्लैक बिकम बैड इन आई डोंट नो व्हाट रीजन बट अगर वो हुआ कभी कभी तो फिर हमारा डिसीजन वो टाइम पे अलग रहेगा ऑफ कोर्स बट एज ऑफ टुडे जहां हमारा रिलेशनशिप है आई डोंट थिंक उसका कुछ कीमत हम मतलब एज अ बाउंटी दे सकते हैं व्हाट डू यू थिंक कोई ऐसी गैंग है सिटी में जो उनके अगेंस्ट जाना पसंद करेंगे इनफैक्ट जाना तो पसंद करेंगे लोग मैं तुमको एक नाम सजेस्ट कर सकता हूं ओके यू कैन ट्राई एंड अप्रोच दोस निकोला पीपल देख सकते हो जस्ट बाकी मेरे को उन लोग उनका पता नहीं है पर उनका पहले भी टक्कर हो चुका है आपस में ओके अच्छा उनके आपस में हुई है ना या हुई है उनके आपस में हुई है तो चाहते तो वैसे वो भी होंगे लेकिन उनका तो बहुत लंबा है बट मेरे हिसाब से वो लेंगे नहीं जितना मेरे को पता है लेंगे वाले बात नहीं है मैं ऐसे लोगों के पास जाना चाहता हूँ जो लें और करके दिखाएं मुझे ऐसे पे जाना ही नहीं है जहाँ पे मुझे खुद को ये हो जाए रिस्क हो जाए सीनियर की निकोला वालों में एक मेरा दोस्त है बहुत अच्छा नाम नहीं बताऊंगा बट है एक बहुत अच्छा दोस्त वो काफी मेरे दिल के करीब भी था एंड उसकी शूटिंग वूटिंग भी बहुत अच्छी है तो बिलीव दे कैन डू दैट यप मैं भी निकोला के ऊपर ही मैं तुमको सजेस्ट कर सकता हूँ यप गो एंड हैव अ वर्ड लाइक यू नो शाहरुख रहता है उधर अर्नव शाहरुख पॉल वॉरियर गो हैव अ वर्ड विद मैं अलग रेकमेंड करता आई वुड रेकमेंड जीएसएफ बट अप टू यू यार ये क्या बात है तुम तो दोनों तरफ से मुझे उसमें डाल रहे हो नो आई मीन देखो लाइक सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है हम लोग ये नहीं बोल रहे कि पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा तो मतलब कुछ ऐसा तो बताओ ना जो कन्विंसिंग हो लाइक व्हाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लाइक वो उस तो उतना डिटेल में मैं जा नहीं सकता वही इशू है लाइक आई कांट मैं वो इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है वो इंफॉर्मेशन मैं बता नहीं सकता नहीं इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं बात ये है कि क्या वो कर पाएंगे क्योंकि अभी रिसेंटली वो काफी लोग टूट चुके हैं जहां तक मुझे पता है उनके काफी लोग छोड़ के गए हैं मेरे हिसाब से कर पाएंगे बट द पीपल आर निकोला एंड द पीपल एंड जीएसएफ आर द ओनली टू ग्रुप्स मेरे हिसाब से जो इनको झेल पाएगी अदर देन दैट आई डोंट थिंक कोई है जो इनको झेल पाएगा एग्जैक्टली ओके ठीक है कैन अप्रोच ठीक है करता हूँ बात फिर वो लोग से ऑलराइट ओके तो ओके देन ओके सी यू गाइस होप यू डोंट फील बैड इट्स लाइक नथिंग पर्सनल बट यू नो दैट्स ऑल द थिंग बिकॉज़ या नॉट फीलिंग बैड दो आई मीन इवन द जीएसएफ हैड अ फाइट विद ब्लैक्स बट I'm not really sure if they can complete the bounty though. But you can try them also, GSF. Okay. Yep, blacks have a lot of clashes with GSF. ठीक है. बात करता हूँ उनसे पहले. ठीक है guys. Alright, okay. Okay, alright. See you guys.